ठीक है भाई अब कितनी तरह के इंड्यूज डीएमएफ होते हैं पहला होता है स्टैटिकली इंड्यूज ई स्टैटिकली इंड्यूज डीएमएफ का मतलब क्या होता है कॉइल इज स्टेशनरी कॉइल मूव नहीं कर रही है तो यहां पे क्या होता है एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज कॉन्स्टेंट बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्लक्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इससे जो फ्लक्स बनेगा मेरे भाई जो इससे फ्लक्स बनेगा बी इन टू एट विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आप ई एम एफ जब लिखोगे ना एन डी फाइव बाई डी टी और फाइव को लिखोगे बी इन टू ए तो ए तो कॉन्स्टेंट है ए बाहर आ गया एन ए डी बी बाई डी टी और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर ई एम एफ क्योंकि मेरे भाई ट्रांसफॉर्मर कोई रोटेटिंग मशीन तो है नहीं तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मूविंग पार्ट तो है नहीं ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्टेशनरी पार्ट है ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्टेशनरी पार्ट है ठीक है अब डायनामिकली इंड्यूस डीएमएफ यहां पे क्या होता है यहां कंडक्टर मूव्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो यहां पे बी हमारा कांस्टेंट रहता है और बी कांस्टेंट रहने की वजह से ईएमएफ आता है एन ए सॉरी एन बी डी ए बाय डीटी यानी अगर मोशन से एरिया चेंज हुआ तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और अगर मोशन ना हुआ मैग्नेटिक फील्ड बदली तो स्टैटिकली इंड्यूस डीएमएफ डायनामिकली इंड्यूस डीएमएफ आता है रोटेटिंग मशीन में स्टैटिकली इंड्यूस डीएमएफ आता है ट्रांसफार्मर में कहा आता है ये वाला ईएमएफ ये आता है रोटेटिंग मशीन्स में किसमें आता है मेरे भाई रोटेटिंग मशीन्स के अंदर ठीक है चल अब ड्रॉबैक्स क्या है ड्रॉबैक्स क्या है आपके फेराडेज लॉ के फेराडे ये मान के चलता है कि अगर एन टर्न्स हैं तो सभी में फाइव फ्लक्स है या सभी के अंदर से सेम मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है जबकि ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ऐसा होना मेरे भाई प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सभी टर्न्स में से सेम मैग्नेटिक फील्ड पास हो इसका मतलब यह हुआ फेराडेज लॉ इग्नोर कर देता है लीकेज को इग्नोर कर देता है लीकेज को या वो ये मान लेता है कि टर्न्स इतने करीब करीब हैं कि बीच में से कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड घुस गई फिर वो सारे टर्न्स में से पास होगी सारे में से पास होगी ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ऐसा कौन मानता है तो लीकेज की बात नहीं करता है तो ये एजम्सन सिर्फ कब ट्रू है जब ये टर्न्स इतना आपस में क्लोज है ना देखो एकदम क्लोज है कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड साथ में से जा रही है अगर ये खुले हैं दूर दूर हैं, अगर ये टर्न्स दूर दूर हो गए तो लीकेज बनेगा तो ये लीकेज बनेगा